मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा में घमासान है। आलम यह है कि इस वक्त कई सीटों में कांटे का मुकाबला है। आज हम देवरी विधानसभा के एक वीडियो का जिक्र करेंगे। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में यह वीडियो डाला है जो पुराने जख्मों को याद करा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें पैदा करता दिख रहा है। कांग्रेस कहती है कि देवरी में मालक और सेवक का चुनाव हो रहा है, जबकि पंडित ब्रज बिहारी पटेल या मालक शब्द से एतराज जता रहे हैं। यह वीडियो 2003 का होना बताया जा रहा है, जो पुराने जख्मों को ताजा करता दिख रहा है। जहां जब हर्ष यादव को 2003 में कांग्रेस ने देवरी से टिकट दिया था, तब पटेरिया जी के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उनकी एक आंख फूट गई थी। इस चुनाव में हालांकि ये मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अब कांग्रेस ने उस मुद्दे को हवा दे दी है। ब्रज बिहारी पटेरिया का दबंगई भरा अंदाज आज फिर से वायरल हो रहा है। पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यह वीडियो उनको मुश्किलों में डाल सकता है। बिजोरा के पास की यह घटना थी, जिसको लेके अब जनता क्या फैसला करेगी यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। ऐसी ही कहानी है हमारे जन जन के लाडले भैया हर्ष यादव की। जब हमारे भैया हर्ष यादव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, तब भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसने जब अपना पहला चुनाव लड़ा तो अपनी माँ को खो दिया। ये कहानी है उस नेता की जिसने जब चुनाव लड़ा तो जीता जिताया चुनाव पार्टी के अंदर उठी बगावत और कलह का शिकार होने के कारण हार गया। लेकिन हर्ष हमेशा हर्षित रहे। वे अपने नाम की तरह ही हर मुश्किल वक्त में हर्षित मन के साथ लड़े और उनकी लड़ाई का साक्षी रहा देवरी विधानसभा क्षेत्र का हर परिवार। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद देवरी विधानसभा में जन जन के लाडले भैया हर्ष यादव जी जब अपने माटी का आशीर्वाद लेने घर आ रहे थे, तब हर्ष यादव जी पर कांग्रेस पार्टी से देवरी विधानसभा के तत्कालीन विधायक का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने जानलेवा हमला कर दिया था। जैसे दिल्ली से हर्ष को टिकट डिक्लेयर हुआ तो इनके समर्थकों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने पहले सबसे पहले दिल्ली से अपनी भाभी को फोन किया। माँ बहुत खुश थी, बोली मिठाई बांटो सब बहुत अच्छे से, संगीता बहुत मिठाई बुलाना सबको देना। हमने कहा सबको बांटेंगे, तो हमने हर्ष को बोला हर्ष तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, पहले तुम आओ यहाँ और यहाँ माँ के पैर छुओ, आशीर्वाद लेके फिर बढ़ना है। तो इन्हें कह दिया हाँ भाभी हम आ रहे। और ये वहाँ दिल्ली से जब चले तो इनका प्रोग्राम बिल्कुल तय था कि जबलपुर आएंगे और जबलपुर से इस तरफ राजमार्ग से होते हुए रसैना आएंगे। पर इनके चाहने वाले नहीं माने, इनको बिना बता लिया नहीं नहीं आप यहाँ पहले सब लोग वेट कर रहे हैं सागर में, यहाँ चलें। पर उन्होंने जब कैंसिल किया और वहाँ से बिना से चले गाड़ियों से जीप और काफिला पहुँचे थे लोग लेने वाले, तो रास्ते में हर जगह स्वागत हुआ, खुरई नरियावली सागर। यहाँ आने के बाद उनके समर्थकों थे सब चलने के लिए जाने वाले थे, तो वहाँ DIG थे हर से मिले, DIG बोले हर से हम आपको सिक्योरिटी भेज रहे हैं साथ में। हर से मना कर दी, नहीं भैया बोले आज तो रहने वाली, आज हम ऐसे जा रहे हैं, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, हम सब साथ में जाएंगे। ये पूरा काफिला लेके DIG रुक गई, खाली चल दिए इन लोगों ने। सागर से बढ़ते हुए जब आए बिजोरा पे, तो बिजोरा में एक ऐसी जगह पड़ती है कि नाला जैसा है कुछ, खाई इस तरफ उस तरफ जैसा भी हो, और उधर इन लोगों ने ट्रक लगा दिया था आड़े करके ऐसे। तो जब गाड़ियाँ आई तो वो रुक गई, रुकी हैं, फूल माला लेके लोग खड़े थे। तो जब ट्रक को आड़े देखा तो उन्हें लगा कि शायद हमारा स्वागत करना चाहते, सब गाड़ियाँ रुक गई और गाड़ियाँ रुकी तो तुरंत हमला होने लगा। इतना ज़बरदस्त हमला हुआ था कि बहुत लोगों को चोटें आई थी, उसमें निहत्ते थे सारे लोग और इनके पास सारे हथियार थे। इन्होंने जब खींचतान में हर्ष को खींचने की कोशिश की गाड़ी में से, बहुत पूरी ताकत लगा के, ये अच्छे स्ट्रांग पर्सन अच्छे मजबूती से जो स्टीयरिंग पकड़ के एक पैर जमा के बैठे, तो किसी में चार चार आदमियों में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई गाड़ी में से इन्हें खींच सकता। एक ने आगे गाड़ी कांच फोड़ दिया था, एक डंडा एक कान की आँख मार दी हर्ष की, तो उससे इनकी आँख बाहर निकल आई, उस दर्द में इनके हाथ छूट गया।
फिर वो इनको लेके ये लोग उस जो गांव था उसके बजौरा वहाँ पकड़ ले गए सब लोग खींच के, और बोले कोई बोले आग लगा दो मार डालो। वहाँ जाके उनपे कहा कि सिग्नेचर करो कि हमें टिकट नहीं चाहिए। जबरदस्ती करने लगे बहुत ज़्यादा, तो हर्ष ने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, आप लिख लो जो लिखना कागज पे, हम दस्तखत कर देंगे। तो ये लोग सब उसमें बिजी हो गए, बाहर बैठे थे, कच्चा घर था जहाँ जे लेके गए थे। तो हर्ष ने बोला हमको बाथरूम जाना, तो घर के अंदर वो लड़का, दो आदमी थे, एक आदमी था, लेके गया और ये अंदर गए वहाँ बाथरूम के लिए। तो वो आदमी बाहर की तरफ खड़ा हुआ इनकी तरफ सुनता रहा कि लौट के तो इसी दरवाजे से आएंगे, कोई दूसरा दरवाजा अंदर था नहीं बाहर निकलने के लिए, तो वो वहाँ गेट पे खड़ा रहा। हर्ष जब टॉयलेट के लिए वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि बाउंड्री वॉल है इतनी कि मैं छलांग लगा सकता हूँ, और ये वहाँ खड़े हुए देखा और छलांग लगा दी। तो अब चूंकि हर्ष लंबे थे तो वहाँ से देखा कि इसमें तो हमें निकाल दिया, हर्ष ने वहाँ से जंप लगा दिया और निकल के भाग, वो आदमी बाहर वेट कर रहा ये सब के लिए बंद, और ये बाहर निकल के दौड़े। आगे दौड़ के जाते एक मोटरसाइकिल बंदी थी, स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, जैसे ही पहुँचे गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उन्हें यार हमको थोड़ा रोड तक छोड़ दो, वो इनको बैठा के भागा। आगे रोड तक पहुँचे ये थोड़े से और इतने में उसकी गाड़ी फिर बंद हो गई। तो उस समय ये रक्षपाल सिंह यादव जी TI की सुर्खी थी, तो उनको लगा बहुत देर हो गई। अभी तक क्यों नहीं पता लगा, मालूम पड़ा उनको ये चेक कर आए गाड़ी देकर आने को, पता नहीं अटैक हो गया। भागे वहाँ से, और जैसे हर्ष वहाँ से कोइंसिडेंस देखी अब ये पहुँचे और इनकी गाड़ी रक्षपाल जी की, तो दौड़ के हर्ष ने पकड़ा उन्हें, गाड़ी बिठा ला, तो हर्ष बेहोश हो गए। वहाँ से रक्षपाल जी जीप लेके बहुत स्पीड में मारते दो ट्रक निकाल के आगे लेके भागे और एडमिट कराए। अखबारों में छपी खबर को सच माने तो ये हमला तत्कालीन विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का टिकट कटने के कारण उनके समर्थकों द्वारा किया गया था। वो हमला इतना खतरनाक था, लोगों ने उनके जिंदा बचने की उम्मीद ही खो दी थी। मैंने हर्ष यादव जी को उठाया, उस समय तक उन्हें होश था, हर्ष यादव जी बेहोश नहीं हुए थे, जीवट वाले व्यक्ति थे, उन्हें होश रहा, लेकिन जैसे ही उन्हें मैंने अपनी गाड़ी में बिठाला और वो बेहोश हो गए। मैं जल्दी से उनको लेकर के अपने बल के साथ, मैंने कहा पहले इनकी जान बचाना जरूरी है, मुलजिम तो बाद में पकड़े जाएंगे, मुलजिम उधर बिजोरा तरफ इधर उधर भाग गए, वो सभी जो है उस समय के विधायक जो थे उनके समर्थक थे, और मैं हर्ष यादव जी को लेके मैंने रास्ते में वायरलेस सेट से अपने SP साहब को बताया, SP साहब को बताया कि सर ऐसी ऐसी इनकी हालत है और काफ़ी गंभीर हालत है और उनकी आँखों से खून निकल रहा है और हो सकता है कि आँखें उनकी डैमेज हो गई हों। तो SP साहब ने गंभीरता से लिया, SP साहब जो अस्पताल आ गए थे और सभी डॉक्टरों को उन्होंने अलर्ट करके खड़ा कर लिया था। जैसे ही मैं गाड़ी लेके पहुंचा, हर्ष यादव जी का SP साहब ने हम सब लोगों ने तुरंत इलाज शुरू करवाया। इलाज शुरू होते ही उनको बताया कि नहीं इनकी एक आँख डैमेज हो गई है और इनकी दूसरी आँख में भी गंभीर चोट है और इनको अगर इनको सुरक्षित रखना है तो इन्हें दिल्ली ले जाओ। लेकिन जब घटना मुझे पता चली कुछ दिनों बाद पूरी, निष्कर्ष से लिपट के हम बहुत रोए थे उस समय। निष्कर्ष तो समझ भी नहीं पा रहा था कि मम्मी रो क्यों रही है। हालांकि वो इस हमले से बच तो गए, लेकिन उनकी एक आंख पर जिंदगी भर के लिए गहरा घाव आ चुका था। जब हर्ष यादव जी के ऊपर जानलेवा हमला होने की खबर देवरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची तो कई घरों में उस दिन चूल्हा भी नहीं जला। लोग रो रहे थे, घर का लाड़ला अब जन जन का लाड़ला था, और अपने लाड़ले भैया की ये दशा होने की खबर सुनकर लोग सदमे में थे। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब हमारे भैया हर्ष यादव जी और उनके परिवार का पूर्ण सहयोग किया और तत्कालीन प्रभाव से एयर एम्बुलेंस से हमारे हर्ष यादव भैया को दिल्ली एम्स भेजा गया, तो हम सब लोग ने लेके सीधे भोपाल पहुँचे और भोपाल में जाके दिग्विजय सिंह सभी लोग मिले, उन्होंने पूरा हम लोगों को भरोसा दिलाया, फिर बाई प्लेन हमें इन्होंने भेजा दिल्ली एम्स के लिए। हर्ष यादव जी दिल्ली एम्स में एडमिट तो हो गए थे, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं था। यहाँ उनके समर्थक दाना पानी छोड़कर हर्ष भैया की चिंता में थे।
उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। तब इस बात की सूचना हर्ष यादव जी के गुरुजी को दी गई और गुरुजी ने हर्ष यादव जी का सारा दर्द ले लिया। जब ये दिल्ली में एडमिट थे हर्ष एम्स में और बहुत बेचैनी थी, तब यहाँ पे हमारे अमरीश जी वाले आश्रम में गुरुजी, हर्ष के गुरुजी हैं, उनको मैसेज दी कि बहुत असहनीय वेदना है और ऐसा लग रहा था कि ये ख़त्म ना हो जाए। तो गुरुदेव ने उसके लिए अपना पूरा दर्द हर्ष अपने ऊपर ले लिया, पूरा उस फ्लोर पर लड़क लड़क के चिल्लाते हैं, लड़कते हैं और जाके वो दर्द उन्होंने अपने आप में खींच लिया। और यहाँ पे फिर यहाँ की पब्लिक की दुआएं थी, पूरे क्षेत्र की इतने लोगों ने दुआएं दी थी, सब एक ने, सब ने भगवान जो जिस धर्म का था, हर धर्म में अपने मनोती मांगी, ईश्वर प्रार्थना की, खुदा से प्रार्थना की, क्रिश्चन से कि प्रभु हर्ष को बचाए हुए, उन सबकी दुआ से हर्ष अच्छे हुए और वहाँ वो लेके आए। देवरी विधानसभा क्षेत्र के हर परिवार की प्रार्थनाओं से, ईश्वर की कृपा और गुरु जी के आशीर्वाद से हर्ष यादव जी पूरे 12 दिन बाद देवरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने लौट आए। जन जन के चहेते भैया हर्ष यादव जी को देखकर ढाणा एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि हर्ष भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ढाणा में जैसे ही पता लगा लोग, इतना हुजूम इकट्ठा हुआ, कई हजारों लोग, लाखों भी कह सकते हैं, इतनी भीड़ थी उस एयरपोर्ट की जगह नहीं थी, बहुत पब्लिक थी और सब हर जिंदाबाद हर संघर्ष करो तुम्हारे साथ नारे लगा के फिर वो जीपीओ से गाड़ियों से हम लोग आए। फिर देवरी बहुत भीड़ थी, बहुत सब देवरी में बहुत रस हुआ था, बड़ी दुआएं दी लोगों ने और आज उन्हीं की दुआओं का हमारे खड़े हुए। जब ये रसैना आए तो पूरे परिवार ने इनसे पूछा क्या आपको चुनाव लड़ना है या नहीं, तो इन्होंने एक ही उनका जवाब था कि जनता ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया और जनता के विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता, मैं चुनाव लड़ूंगा और उनकी हम सेवा के लिए, हम जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक मैं संघर्ष करूंगा और लड़ूंगा और मैं फार्म भरूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। और उन्होंने हाँ कहा और चुनाव लड़े। हर्ष यादव जी की आंख पर मलहम पट्टी थी लेकिन वो असहनीय दर्द में भी सब कुछ भूलकर जनता का आशीर्वाद लेने निकल जाते हैं। जानलेवा हमले से लड़कर निकले हर्ष यादव जी के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे। देवरी विधानसभा में चुनावों के प्रचार के दौरान हर्ष यादव जी को पता चलता है कि उनकी माता का आकस्मिक देवलोक गमन हो गया है। दुर्भाग्यवश हमारी माताराम का स्वर्गवास हो गया, तो वो बड़ा सदमा लगा, इतना पहाड़ टूटा कि एक से हम उभरे नहीं थे, दूसरा संकट आ गया। इस असहनीय वेदना और दुख से हर्ष यादव जी को निकलने का समय मिला ही नहीं था कि उनके बालक निष्कर्ष के साथ भी एक दुर्घटना हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद बिना किसी से अपना दुख जाहिर करे मातृभूमि की सेवा करने हर्ष यादव जी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलने से नाराज होकर कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने निर्दलीय फॉर्म भर दिया जिसके कारण वोटें कट जाने से हर्ष यादव जी को हानि हो जाती है। 10 दिन के बाद जैसे सब कुछ अच्छा हुआ, 12 दिन बाद फिर हम लोग एक बार फिर से हमने प्रयास किया निकलने का। उसी समय निष्कर्ष के ऊपर गर्म पानी छलक गया पैर, तो पूरी पीठ जल गई उसकी, चमड़ी उधड़ गई उसकी, वो इतना बड़ा साग था वो इतनी याद करते रोंगटे खड़े हो जाते भाई, संकट पर संकट। तब भी हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी, लड़के को देखने तक नहीं, वो अपने छेद पर लगा रहा काम करने, आंखें पट्टी बंधी और दौड़ रहे हैं निराश से। कह सकते हैं कि हिम्मत रखना चाहिए हर विपरीत दिशा में हो जब हम परिस्थिति, तो हम सबको हिम्मत लेके चलना चाहिए। 2003 का जो समय था, जो वर्ष था, वो हमारे लिए सबसे खराब समय था। सबसे पहले तो इनके ऊपर हमला होना, दूसरा माँ का, हमारी जो सासू माँ थी उनका जाना देहांत, और बच्चे का जल जाना, और चौथा चुनाव का हार जाना। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सागर।